दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि BGMI गेम को एक फोन से दूसरे फोन में शेयर कैसे करें, यानी कि ट्रांसफर कैसे करें सिर्फ एक क्लिक में, एक मिनट के अंदर में। आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत सारे YouTube पर वीडियो देखने को मिलेगा जो कि बताते हैं लोग कि शेयर मी एप्लीकेशन से ट्रांसफर कैसे करें। तो उसमें होता क्या है कि पहले OBB फाइल ट्रांसफर करो, फिर APK फाइल ट्रांसफर करो, एक फाइल से दूसरे फाइल में ट्रांसफर करो। इस तरह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है, काफी लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का तरीका नहीं बताऊंगा। विदाउट एप्लीकेशन आप एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक मिनट के अंदर में, एक मिनट से भी ज्यादा नहीं लगेगा। तो अगर आप एक गेमर है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो सभी वीडियो से हट के होने वाला है, तो इसलिए अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट कर दो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ले चलते आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आ चुके अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। यहाँ पे आपके सामने दो फोन रखा हुआ है। तो देखिए ये वाला जो आपको फोन नजर आ रहा है, इसमें देखिए पहले से BGMI इंस्टॉल है। चलिए मैं आपको प्ले स्टोर पे सर्च करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए इस फोन में पहले से BGMI इंस्टॉल है, तो यहाँ पे आपको ओपन करने का और अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। और इस फोन में देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इस फोन में पहले से BGMI इंस्टॉल नहीं है। तो चलिए मैं प्ले स्टोर पे आ गया हूँ, यहाँ पे BGMI जैसे ही सर्च करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब है कि इस फोन में पहले से ये डाउनलोड नहीं है और इस फोन में है। तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो दोनों फोन में सबसे पहले आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं दोनों फोन में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में जिस फोन में पहले से इंस्टॉल है उस पे प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए मैनेज ऐप एंड डिवाइस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो फिर जिस फोन में आपको ट्रांसफर करना है उसके प्रोफाइल पे क्लिक करना है, फिर उसी तरह से मैनेज ऐप एंड डिवाइस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस दोनों फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिस फोन में पहले से BGMI इंस्टॉल है उसमें यहाँ पे देखिए शेयर ऐप का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे। जिसमें पहले से इंस्टॉल है उसमें सेंड पे क्लिक करेंगे और जिसमें आपको ट्रांसफर करना है उसमें रिसीव पे क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरह का दोनों में आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद ये ओके करेंगे, जो भी आपसे परमिशन मांगेगा सभी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो जिस फोन में BGMI पहले से इंस्टॉल है उस फोन में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको अब देख लेना है कि आपका BGMI गेम कहाँ है। तो देखिए मेरा ये है तो मैं इस पर टिक कर दूंगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए एक आइकन आपको नजर आ रहा होगा, इस आइकन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा कुछ लोडिंग लेगा। उसके बाद आप जिस फोन में BGMI गेम को ट्रांसफर कर रहे हैं उस फोन का क्या नाम है, उसका मॉडल नंबर क्या है, आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा देर टाइम लेगा, एक ये फोन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कनेक्ट होने के बाद आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा। देखिए ये जो कोड 4 डिजिट का आपको नजर आ रहा है, ये कोड दोनों फोन में सेम होना चाहिए, 9291 9291। इसका मतलब है ठीक है। तो इसमें आपको रिसीव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिसीव पे करेंगे तो इस फोन से इस फोन में BGMI आना स्टार्ट हो गया है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका कोई भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा। तो चलिए मैं नेट को यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे कोई भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं नेट को ऑफ कर दिया हूँ, विदाउट इंटरनेट के इस फोन से इस फोन में BGMI आ रहा है और बहुत ही फास्टली आ रहा है। बहुत लोग आपको बताएंगे कि OBB फाइल ट्रांसफ़र करो, APK फाइल ट्रांसफ़र करो, फिर इस फाइल से इस फाइल में पेस्ट करो। उस तरह से क्या है कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है और समझ में नहीं आता है। मैं अपने चैनल पे कभी भी फेक वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। तो देखिए एक मिनट भी नहीं लगा इस फोन से इस फोन में BGMI ट्रांसफ़र हो गया। तो इस फोन में देखिए सिंपली इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए इसको इंस्टॉल होने देते हैं। देखिए इस फोन में इंस्टॉल हो रहा है, तो देखिए ये गेम इंस्टॉल हो गया। तो चलिए सिंपली मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद में देखिए ये गेम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस फोन का आप कोई ज़रूरत नहीं है, साइड में रखते हैं और यहाँ पे देखिए इसको ओके पे क्लिक कर देंगे। जो भी आपसे परमिशन मांगेगा सभी परमिशन को अलाउ करना है। उसके बाद में देखिए आपके सामने गेम स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक फोन से दूसरे फोन में BGMI गेम को ट्रांसफर कैसे करते हैं, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे अभी तक न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट
वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों मैं एक नया चैनल बनाया हूँ जिसका नाम है बिहारी चैलेंज, उस पर चैलेंजिंग वीडियो आता है। तो जैसे आप लोग इस चैनल पे मुझे सपोर्ट किए और बहुत सारे प्यार दिए, उसी तरह उस चैनल पे भी आप लोग सपोर्ट दिखाइए और सपोर्ट कीजिए। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, काफी अच्छा अच्छा उस पे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।